अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डायटिशियन महदी पौंदे आपका इस्तकबाल करती हूँ हमारे शो फूड डायरी में। आज मैं जिस फ्रूट के बारे में बात करने वाली हूँ वो आजकल सीज़न में अवेलेबल है। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ ग्रेप्स यानी अंगूर के बारे में। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं अंगूर के कितने सारे फ़ायदे हैं? तो आइए आज हम देखते हैं ग्रेप्स के कुछ न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। ग्रेप्स में काफ़ी सारे पॉलीफेनॉल्स होते हैं। पॉलीफेनॉल्स में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें काफ़ी सारे कैंसर से बचा सकता है, जैसे कि फूड पाइप कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, यूट्राइन कैंसर एंड माउथ कैंसर। नाज़रीन, अगर हम बात करें रेड ग्रेप्स के बारे में तो रेड ग्रेप्स के स्किन में एक पॉलीफेनॉल है जिसका नाम है रेस्वेरेट्रॉल। ये रेस्वेरेट्रॉल काफ़ी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशनल हेल्थ बेनिफिट्स देता है। आइए नाज़रीन, रुक करते हैं ग्रेप्स के दूसरे बेनिफिट की ओर। ग्रेप्स में होता है क्वेरसिटीन। क्वेरसिटीन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट है जो कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में काफ़ी बेनिफिट देता है। क्वेरसिटीन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम कर देता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। इसके अलावा क्वेरसिटीन प्लाक फॉर्मेशन यानी ब्लॉकेज जैसी शिकायतें को भी दूर करता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ग्रेप्स में होता है फाइबर और पोटेशियम। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है कार्डियक के मरीजों में। एक रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि अगर हमारे डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम ले तो हार्ट अटैक जैसी बीमारी 50% तक कम हो जाती है। कार्डियक के मरीजों के अलावा ग्रेप्स हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। नाज़रीन, हम अक्सर ये देखते हैं कि जब कोई हाइपरटेंसिव का मरीज होता है तो हम सिर्फ सोडियम यानी कि सॉल्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि कम सोडियम के साथ में हाई पोटेशियम भी उनके डाइट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पोटेशियम काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मौजूद है, उसमें से एक ग्रेप्स है। तो अगर हमारे मरीजों के डाइट में ग्रेप्स इंक्लूड करें तो डेफिनेटली उनके ब्लड प्रेशर स्टेबल हो जाएगा। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ग्रेप्स में ना सिर्फ फाइबर है बल्कि उसमें जो वाटर कंटेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। हाई वाटर कंटेंट और फाइबर, ये दोनों इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा ग्रेप्स में काफ़ी सारे पॉलीफेनॉल्स हैं। ये पॉलीफेनॉल्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं विच मेक्स इट अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर एलर्जिक पेशेंट्स। एलर्जी के काफ़ी सारे सिम्टम्स इससे घटते हैं, जैसे कि रनी नोज, वाटरी आईज, हाइव्स, इची स्किन। ये काफ़ी जो सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के, ये सारे सिम्टम्स कम हो जाते हैं बाय इंक्लूडिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। नाज़रीन, हम अक्सर देखते हैं कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं हम उनको काफ़ी सारे डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस देते हैं, जैसे कि ये फ्रूट नहीं खाना है, वो वेजिटेबल नहीं खाना है। लेकिन नाज़रीन, ये सारे मिथ होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम डायबिटीज़ के मरीज़ को नहीं दे सकते हैं। एक रिसर्च में ये स्टडी हुआ था कि अगर डायबिटीज़ के मरीज़ हफ्ते में एक या दो बार ग्रेप्स उनके डाइट में इंक्लूड करे तो डायबिटीज़ काफ़ी कंट्रोल में आ जाते हैं। Because grapes are a very good source of fiber and they have a very good water content. ना सिर्फ sugar levels control में आते हैं बल्कि जो diabetes के complications होते हैं, जैसे कि diabetes neuropathy, diabetes retinopathy, ये सारे complications को काफ़ी हद तक prevent किया जा सकता है because grapes have very good anti-inflammatory and antioxidant properties. Grapes is a very good cure for acne problem, क्योंकि grapes में होता है lutein and zeaxanthin. ये दो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स को डैमेज करते हैं एंड कीप्स योर स्किन फ्रेश एंड साउंड। इसके अलावा ग्रेप्स में होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ग्रेप्स को इम्यून बूस्टर भी कहा जाता है, तो जो लोगों की इम्यूनिटी लो होती है अगर वो उनके डाइट में रेगुलरली ग्रेप्स दें तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू एनहेंस देयर इम्यून सिस्टम। आइए अब हम देखते हैं कुछ ऐसे कंडीशंस में जहाँ पे ग्रेप्स अवॉइड करना बेहतर होगा। सबसे पहला, कार्डियक के मरीज जो बीटा ब्लॉकर मेडिसिन पे होते हैं। ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो पोटेशियम के लेवल्स को खून में बढ़ाता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू अवॉइड हाई पोटेशियम फ्रूट्स, जिनमें से एक ग्रेप्स होता है। दूसरा कंडीशन किडनी पेशेंट्स के लिए है। किडनी पेशेंट्स में अक्सर हाइपरकलीमिया का कंडीशन देखा जाता है। हाइपरकलीमिया होता है हाई ब्लड पोटेशियम लेवल्स, इनमें भी ग्रेप्स एडवाइजेबल नहीं है। नाज़रीन, ग्रेप्स को काफ़ी सारे फॉर्म में लिया जा सकता है। ग्रेप्स को एज इट इज़ एज अ इवनिंग स्नैक या मिड मॉर्निंग स्नैक में ले सकते हैं। वन बोल ऑफ ग्रेप्स गिव्स अराउंड 100 कैलोरीज, विच मेक्स इट अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर डाइटर्स जिनको वजन कम करना है। इसके अलावा ग्रेप्स को चिकन सैलड में भी इंक्लूड किया जा सकता है। ग्रेप्स का मॉकटेल भी बनाया जा सकता है। ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज, पीचेस, पाइनएप्पल, ये सारे फ्रूट्स को मिक्सर में ग्राइंड करके अर्ली मॉर्निंग अगर लिया जाए इट्स वेरी हेल्दी और बॉडी को डिटॉक्स करने में काफ़ी मदद करता है।
नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ग्रेप्स के फ़ायदे जानकर आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और अपने लाइफ को ज़्यादा हेल्दी बनाएंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।